हाय फ्रेंड्स, आराध्या की रसोई में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं बहुत ही बढ़िया और झटपट से बनने वाला नाश्ता लेके आई हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और रेसिपी को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने आधा कप चावल लिया है, कच्चा चावल। इसको मैंने एक घंटे पहले भीगने के लिए रख दिया था और अब मैंने इसको दो बार धो लिया है अच्छे से। और अब यहाँ एक मिक्सी का जार ले लेंगे, उसमें हम डाल देंगे चावल और साथ ही डाल दिए हैं चार हरी मिर्च, एक इंच अदरक का टुकड़ा और छः से सात कली हम यहाँ डाल देंगे लहसुन की। और अब मैंने यहाँ पर आधा कप लिया है सूजी, आधा कप इसमें डाल देंगे पानी और इसको पीस के बढ़िया सा इसका पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने इसको अच्छे से पीस लिया और देखिए इतना पतला सा पीस के हमने इसको तैयार कर लिया है। तो इसको हम थोड़ी देर रख देते हैं साइड में। और मैंने आप यहाँ एक कढ़ाई ले ली है, इसमें दो छोटे चम्मच से डाल देंगे तेल, थोड़ा सा डाल देंगे यहाँ पर जीरा और थोड़ा सा डाला है करी पत्ता बारीक काट लिया है। और ये मैंने डाला है यहाँ पर पुदीने के पत्ते थोड़े से डाल दिए हैं, अगर आपके पास धनिया पत्ती है तो आप वो भी इसमें डाल सकते हैं। इसको बस एक से दो मिनट के लिए हमने भून लेना है, बाकी इसमें हमने और कुछ भी नहीं डालना है। तो ये भून गया है, अब यहाँ पे एक कप हम पानी डाल देंगे। तो यहाँ पे पानी डाल दिया है और इसमें हम डाल देंगे नमक स्वाद के अनुसार। और इसमें उबाल आ गया है तो अब हमने जो चावल और सूजी पीस के रखी हुई है वो हमने इसमें डाल दी है और इसको लगातार चलाते रहेंगे। और तब तक चलाना है जब तक ये एकदम कढ़ाई छोड़ने लगेगा और एक डो जैसा हमारा ये बनके तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये इकट्ठा हो गया है और कढ़ाई भी एकदम अच्छे से छोड़ रहा है। तो इसको अब हम रख देते हैं और इसको हम ढक के ही रखेंगे और थोड़ी देर इसको ठंडा हो जाने देते हैं। एकदम बहुत ठंडा नहीं करना है, हल्का गर्म रहेगा तभी इस पर काम करेंगे। तो तब तक हम फिलिंग बना लेते हैं। तो यहाँ मैंने चार उबले हुए आलू लिए हैं, एक बहुत ही छोटे साइज़ का टमाटर उसको छील के मैंने काट लिया है और छोटा सा एक प्याज लिया है, एक हरी मिर्च, नमक डाल दिया है यहाँ पे स्वाद अनुसार। और अब मैंने यहाँ पे एक तड़का पैन लिया है, इसमें डाल देंगे एक चम्मच तेल और अब यहाँ पे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ करी पत्ता और थोड़े से पुदीने के पत्ते, बस इसको हमने पका लेना है, हल्का सा इसको भून लेना है। और ये भून गया है, इसको हम डाल देते हैं आलू वाले मसाले के ऊपर। तो ये इसमें डाल देंगे और अच्छे से सारी चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे। तो इसमें आप चाहे तो थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल सकते हैं या फिर चाट मसाला, लेकिन मैंने इसमें और कुछ भी नहीं डाला है, बस ऐसे ही बनाया है। इसको अच्छे से इसको मिक्स कर देते हैं। तो ये मिक्स हो गया अच्छे से और अब हम देख लेते हैं अपना चावल वाला डो हमारा। देखिए हल्का ठंडा हुआ है, एकदम ठंडा नहीं है, अभी भी हल्का सा गर्म है। हाथ में थोड़ा सा तेल या घी लगा लेंगे और थोड़ा सा जैसे हम पूड़ी बेलते हैं ना, उतनी बड़ी हमने एक लोई ले ली है और उसको हल्का सा हाथ में इस तरह से चपटा करके बीच में हमने फिलिंग लगा दी है और इसको अच्छे से हम कवर कर देंगे एकदम बढ़िया से। इसको इस तरह से हमने शेप दे दी है, आप किसी भी शेप में अपने पसंद के हिसाब से इसको बना सकते हैं, आप टिक्की जैसा इसको बना सकते हैं, कैसे भी जैसे आपको पसंद हो वैसे आप बना सकते हैं। मैंने इस तरह से बनाया है। तो ये देखिए एक और मैं आपको बना के दिखा रही हूँ। तो इसी तरह से हम सारा बना के तैयार कर लेंगे, बहुत ही आसान है बनाना, इसको आप फटाफट से बना सकते हैं। आप इसको बना के टिफ़िन में अपने बच्चों को दे सकते हैं या फिर आप खुद भी ऑफिस के लिए अपने लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा सारा नाश्ता बन गया है, आप इसको ऐसे ही फ्राई करके भी खा सकते हैं या फिर हल्का सा स्टीम करके भी खा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको स्टीम कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने एक की प्लेट ले ली है, इसमें थोड़ा सा तेल लगा दिया है मैंने और अब इसमें हम लगा देंगे सारा जो हमने नाश्ता बना के रखा हुआ है, इसके ऊपर हम रख देते हैं और इसको बस 10 मिनट के लिए हमने पका लेना है। तो ये 10 मिनट हो गए हैं यहाँ पे इसको पकते हुए, अच्छे से बढ़िया से स्टीम हो गया है, इसको अब हम निकाल लेंगे। तो आप चाहे तो इसको स्टीम करके इसी तरह से खा सकते हैं, ये ऐसे ही बहुत टेस्टी लगता है, या फिर इसको हल्का सा फ्राई करके सेक के भी खा सकते हैं। तो मैं इसको सेक के बनाने वाली हूँ। तो यहाँ मैंने एक पैन ले लिया है, बस इसमें थोड़ा सा तेल डाल देंगे, एक से दो चम्मच हम यहाँ पे तेल या घी आप कुछ भी डाल सकते हैं और इसमें सारे पीसेस को जितने भी एक बार में आ जाए आराम से रख देंगे और बढ़िया से इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसमें थोड़ा सा ऊपर से तिल डाल दी है, थोड़ा सा करी पत्ता
और थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्च और थोड़ा सा डाल दिया है लाल मिर्च, और ये थोड़ा सा मैंने ऊपर से चाट मसाला इस पर छिड़क दिया है। और इसको इस तरह से हिलाएंगे ना तो ये पूरा मसाला इस पर अच्छे से कोट हो जाएगा। तो ये देखिए, ये बढ़िया से इसमें चिपक गया है मसाला और अच्छे से ये सीख भी गए हैं। तो इसको हम निकाल लेते हैं और ऐसे ही हम सारा नाश्ता बना के तैयार कर लेंगे। तो लीजिए, बहुत ही बढ़िया और टेस्टी सा नाश्ता बनके हमारा तैयार हो गया है। आप इसे सुबह के नाश्ते में बना सकते हैं या फिर आप इसको शाम को हल्की फुल्की भूख में बना सकते हैं। तो जब भी आपका मन करे आप इसे बना सकते हैं, आप टिफ़िन के लिए इसको बना सकते हैं। तो बहुत ही आसान सी रेसिपी है, एक बार बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और रेसिपी को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।